आप देख रहे हैं strugglekicia.com। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जो भी बच्चे स्कूलिंग में हैं, नाइन्थ टेंथ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में जो भी बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि स्कॉलरशिप 31SC 2019 की स्कॉलरशिप, जी हाँ, जो कि अगला सेम कैलेंड सर्च एग्जामिनेशन करवा रहा है, जिसकी जो वर्थ है वो 12 लाख रुपए। जी हाँ, जो जीतेगा वो 12 लाख रुपए उसे प्राइज मनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उसे 12 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलेगी। 360 विनर्स होंगे जिसमें, और उसमें से 12 लाख रुपए की जो प्राइज मनी है वो दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं strugglekicia.com। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस वीडियो में हम आज पूरी डिटेल देखेंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आप ये 12 लाख की जो धनराशि है, जो 12 लाख की जो स्कॉलरशिप है, उस अमाउंट को कैसे जीत सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, अगला सेम जो है वो अगला सेम एक एजुकेशन की वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जो कि पहले पहले एक छोटी सी वेबसाइट हुआ करती थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी वेबसाइट हुई है। तो ये एक एजुकेशन के लिए बच्चों को, जो कि स्कूलिंग में है, उनके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कॉलरशिप, जिसमें आपको कुछ फी भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विनर बनते हैं तो आपको मतलब 12 लाख रुपए तक की धनराशि जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, हम इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी फीस वगैरह आपको क्या पे करनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, द अगला सेम इज गोइंग टू बी कंडक्ट अगला सेम कैलेंड सर्च एग्जामिनेशन फॉर द स्कॉलरशिप वर्थ 12 लाख। विनर अगला सेम एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन नाउ नाउ ओपन टू द ऑफिशियल वेबसाइट एसीटीज ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट्स हु स्टडी इन क्लास, मतलब जो कि क्लास फोर्थ तो फाइव सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ या फिर ट्वेल्थ, मतलब फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इलेवंथ में, वो साइंस और कॉमर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ट्वेल्थ में है, वो सिर्फ साइंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे ट्वेल्थ में है वो सिर्फ साइंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हम पूरा प्रोसेस देखते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है और इसके लिए आप इस कैसे अप्लाई करते हैं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इसके एग्जाम देने के लिए आपको इसके एग्जाम सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ इसके एग्जाम सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको आप इसका एग्जाम अपने घर बैठे दे सकते हैं। ये हमने दे रखा है, मतलब इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करके आप इसका एग्जाम घर बैठे ही दे सकते हैं। मतलब इसके एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रेस्टिजियस एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें उनके एग्जाम सेंटर में जाने की जरूरत होती है, और मतलब टाइम वेस्ट होता ही हो। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये एग्जाम आप घर बैठे भी दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 28 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। ऑनवर्ड ऑनवर्ड मीन्स इसका हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि मतलब 28 जुलाई को कंडक्ट होगा। जी हाँ, वेबसाइट के अनुसार 28 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। और वैसे इसकी जो पूरा प्रोसेस है हम आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी देखें, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवन्थ ट्वेल्थ में होना जरूरी है। मतलब इससे ट्वेल्थ से आगे वाले जो कॉलेजेस के बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप इलेवंथ में हो तो इलेवंथ के लिए आप साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस में हो, नहीं, अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आप सिर्फ साइंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज है जिसे आपको देखना चाहिए। और हम फी की बात करें, फी के लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ, 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और 36 रुपये इसकी जीएसटी का भी चार्ज देना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो टोटल जो फीस होगी ये 236 रुपये पे आपको करनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। मतलब इसका ऑफलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। आप इसकी
फीस जो पे कर सकते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके हम बात करें कि आप इससे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि ये है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक भी हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप जाकर इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पर जा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसके होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यूजिंग द एनरोलमेंट फॉर्म, आपको उसमें जो फॉर्म वगैरह होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। स्कूल के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से कोर्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगे। उसके बाद वेरीफाई द फोन नंबर, मतलब आपको जो भी उसका प्रोसेस होगा वेरीफाई करना पड़ेगा, फोन नंबर वगैरह, और उसका जो वो आएगा ओटीपी वगैरह आएगा उसे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसकी फी पे करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद जो फर्दर डॉक्यूमेंट जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट होंगे उन्हें फिलअप करने पड़ेंगे, मतलब भरने पड़ेंगे पूरे। ये पूरा प्रोसेस है, हम इसका नीचे भी दे देंगे लिंक, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। देयर आर फोर ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब जो चार ऑप्शन में, चार ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक का आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल क्वेश्चन होंगे 100, और ईच क्वेश्चन हैज फोर डिजिट, मतलब एक क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो चार चार मार्क्स मिलेंगे, और जो कि पूरे मार्क्स होंगे वो 400 मार्क्स का पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, देयर इज अ नेगेटिव मार्क ऑफ 1 पॉइंट, मतलब अगर आपने गलत भी दे दिया आंसर तो आपका इसमें 1 पॉइंट कट जाएगा। जी हाँ, मतलब 1 पॉइंट नेगेटिव मार्क का भी आपको कट जाएगा। और उसके हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका 1 आवर का ड्यूरेशन होगा, मतलब 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये पूरा मतलब हिंदी में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर अवेलेबल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि मतलब साइंस मैथ और जो भी चीजें हैं इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह पूरा हमने यहाँ पे दे रखा है। इस पे हम इसका वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे इसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हम बात करते हैं इसका प्राइस, जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस यहाँ पे जो कि यहाँ पे रैंकिंग वाइज प्राइस होंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो कि पहले रैंक पे आएगा उसे 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे। जी हाँ जी, उसे 5 लाख रुपीज प्लस गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जाएगा। जी हाँ, जो जो कि फर्स्ट प्राइस में आएगा, और जो सेकेंड रैंक में आएगा उससे 25,000 रुपीज दिए जाएंगे। जी हाँ, 25,000 रुपीज दिए जाएंगे, मीन्स जो जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसके उसको 50,000 मिलेंगे, उसके सेकंड रैंक आएगी उसको 25,000 रुपीज दिए जाएंगे। उससे जो सिल्वर का मेडल वगैरह दिया जाएगा और उससे एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद थर्ड वाले को 10,000 रुपीज दिए जाएंगे, उसके ब्रॉन्ज का एक मेडल वगैरह दिया जाएगा, और उसके बाद एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर फोर्थ से और टेंथ तक की बात करें तो उन्हें 2,000 रुपीज दिए जाएंगे सिर्फ, और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और हम यहाँ से अगर 11th से और 15th तक अगर हम बात करें तो उन्हें 1,000 रुपीज प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी रैंक 11 to 50 आती है, और 51 प्लस को सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्राइजेस थे इसके। और प्राइज मनी के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास वैलिड अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए आपके कैश में पेमेंट कर दी जाए, मतलब आपके जो अकाउंट में पेमेंट होगी तो उसके लिए आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, कैश अवार्ड मतलब जो अकाउंट का नाम वगैरह होना चाहिए, और जो प्राइस जो मतलब जो पैसे वहां पे भेजे जाएंगे उसका पूरा का पूरा आपको जहां पे जो भेजा जाएगा उसका आपको पूरा का पूरा वो देना पड़ेगा कि आपके पैसे कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें अगला सेम टैलेंट के सस एग्जाम गेट, क्या है। जी हाँ, कब से इसका एग्जाम स्टार्ट हुए थे और कब एंड होंगे और कब इसका एग्जाम होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से हुआ था, और 30 जून तक इसकी एंड डेट बताई जा रही है। लेकिन अब इसकी एंड डेट बढ़ाकर
इसके एंगेक बढ़ाकर जुलाई भी कर दी गई है, मतलब एंगेक बढ़ाकर जुलाई कर दी गई है, जुलाई 29 कर दी गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 20 अगस्त को आएगा, जी हाँ 20 अगस्त को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से तो सही है, अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवन्थ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप का प्रोसेस दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक डायरेक्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, आप इसके लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका नीचे भी दे देंगे, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, और लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इससे इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे थे skillsdesire.com, ऐसी ही न्यूज, ऐसी ही अपडेटेड एजुकेशन की न्यूज, स्कॉलरशिप की न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। जी हाँ, एलटीएसई की जो भी अपडेटेड न्यूज आएंगी, हम उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।